नमस्कार, आज के फिन पॉइंट सेशन में आपका स्वागत है और आज का फर्स्ट अपडेट है। साल 2015 के बाद 1 फरवरी 2020 यानी शनिवार को भी स्टॉक मार्केट खुले रहेंगे। वित्त मंत्री इस दिन अपना बजट पेश करेंगी। इसी को ध्यान में रखते हुए सेबी ने एनएससी और बीएसई दोनों एक्सचेंजों को शनिवार को भी 9:15 से 3:30 तक ट्रेडिंग के लिए बाजार खोले रखने के आदेश दिए हैं। सामान्य तौर पर शनिवार को एक्सचेंज बंद रहते हैं, लेकिन दिवाली और बजट के अवसर पर एक्सचेंज मुहूर्त के लिए स्पेशल सेशन का आयोजन करते हैं। नेक्स्ट अपडेट है, 2 और 3 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी बजाज ऑटो की प्रॉफिट में 15% का इजाफा हुआ है। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 1,262 करोड़ रुपीस रहा, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 160 करोड़ रुपीस ज्यादा है। कंपनी का कुल रेवेन्यू साल 2018 के तीसरे क्वार्टर में 7,436 करोड़ रुपीस से बढ़कर दिसंबर 2019 के तीसरे क्वार्टर में 7,640 करोड़ रुपीस रहा। इस दौरान कंपनी ने 12 लाख से ज्यादा गाड़ियों की बिक्री की है। नेक्स्ट अपडेट है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चीन के वुहान शहर में फैलने वाली महामारी कोरोना वायरस को इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। इससे पहले WHO ने स्वाइन फ्लू, पोलियो, जीका और इबोला वायरस के लिए इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की थी। भारत के केरल में भी कोरोना वायरस का मामला सामने आया है। अब तक चीन के अलावा 18 देशों में 82 मामले सामने आ चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट है, RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमोटर को बैंक में अपनी शेयर होल्डिंग कम करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया है। इस तरह बैंक को 1 अप्रैल 2020 तक प्रमोटर के वोटिंग राइट्स को 15% करना होगा। फिलहाल बैंक में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 29.96% है। नेक्स्ट अपडेट है, 50 सालों तक बजाज ग्रुप के चेयरमैन रहे राहुल बजाज 31 मार्च 2020 को इस पद से इस्तीफा देंगे। 1 अप्रैल 1970 को राहुल बजाज ने कंपनी के डायरेक्टर और चेयरमैन का पद संभाला था। सेबी के नए रेगुलेशंस की वजह से बजाज ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। सेबी के नए रेगुलेशन में टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज को MD और चेयरमैन के पद को अलग करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अपडेट है, IT कंपनी विप्रो के CEO और MD अबिदाली नीमचवाला ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। नीमचवाला ने पारिवारिक कारणों से अपने पद से इस्तीफा दिया है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नए CEO और MD की तलाश शुरू कर दी है। नेक्स्ट अपडेट है, बैंक कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की डिमांड को लेकर IBA यानी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और UFBU यानी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलने के बाद बैंक यूनियंस ने 31 जनवरी और 1 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल करने का निर्णय लिया है। बैंक कर्मचारियों का वेतन संशोधन नवम्बर 2017 से लंबित चल रहा है। इस तरह 3 दिन बाद यानी सोमवार 3 फरवरी से ही बैंक का कामकाज सुचारू रूप से चलेगा। नेक्स्ट अपडेट है, भारत अब देसी घी को दुनिया के बाजारों में उतारकर जैतून के तेल को टक्कर देने की योजना बना रहा है। केंद्रीय पशुपालन व डेयरी मंत्रालय में सचिव अतुल चतुर्वेदी का कहना है कि योग की तरह देसी घी की ब्रांडिंग करने की जरूरत है। देसी घी दुनिया का एकमात्र घी है जिसका एक से ज्यादा बार उपयोग करने से नुकसान नहीं है। इस मामले पर कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। जैतून का तेल दुनिया में सबसे अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक तेल माना जाता है। नेक्स्ट अपडेट है, भारतीय मूल के टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव अरविंद कृष्णा अमेरिका की IT कंपनी IBM के नए CEO होंगे। वो अप्रैल में वर्तमान CEO रोमेटिक की जगह लेंगे। कृष्णा ने 1990 में IBM को ज्वाइन किया था। IBM के क्लाउड और कॉग्निटिव सॉफ्टवेयर बिजनेस को बढ़ाने में कृष्णा का बड़ा योगदान है। नेक्स्ट अपडेट है, अप्रैल महीने में देश में BS6 स्टैंडर्ड वाले ईंधन का उपयोग शुरू हो जाएगा, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 50 पैसे से 1 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन के अनुसार इंटरनेशनल मार्केट में BS6 स्टैंडर्ड वाले ईंधन की कीमतें BS4 मानक के ईंधन से ज्यादा है। फिलहाल देश में BS4 स्टैंडर्ड के ईंधन का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट है, आखिरकार शुक्रवार को ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। 40 साल तक यूरोपियन यूनियन का सदस्य रहने के बाद ब्रिटेन की संसद ने ब्रेक्सिट डील पर अपनी मुहर लगाकर ब्रिटेन को 28 देशों के समूह से अलग कर दिया। फिलहाल 31 दिसंबर 2020 तक यथास्थिति बनी रहेगी, लेकिन यूरोपियन यूनियन से जुड़े मामले में ब्रिटेन का वोटिंग अधिकार खत्म हो गया है। अब ब्रिटेन अन्य देशों के साथ अपनी शर्तों के अनुसार ट्रेड डील कर पाएगा।
नेक्स्ट अपडेट है, मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रेस्टोरेंट कारोबार में कदम रखने जा रही है। रिलायंस जल्द ही रेस्टोरेंट कारोबार के लिए मिलान की लग्जरी फूड कंपनी एम्पोरियो अरमानी के साथ समझौता कर सकती है। दोनों कंपनियां मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में देश का पहला रेस्टोरेंट खोलेंगी। यहाँ पर हमारा आज का फिन पॉइंट सेशन समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finnovationz.com जरूर विजिट कीजिए। आप अपनी किसी भी क्वेरी के लिए 8287936451 और 8287936452 नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो को देखने और हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।